हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पहुंच चुके हैं डीसी के 12th क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग एमएस वर्ड के इंसर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। चलिए बिना देरी के हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत जल्दी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, जिसे भी आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा डेस्कटॉप के ऊपर होने वाला है। चलिए हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैं अपने कंप्यूटर को हमेशा की तरह पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आपको एमएस वर्ड को ओपन करना है। मैं यहाँ सर्च में एमएस वर्ड, ये देखिए मुझे वर्ड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसे फुल स्क्रीन किया। मैं पहले की तरह ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं जो पिछले क्लास में उन्होंने जो फाइल बनाया था बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर 1-2-3, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने पिछले क्लास में आपके साथ मिलकर बनाया था। मैं इसे साइज को पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं इसके साइज को सिर्फ 145 कर दिया है। तो ये सारे ऑप्शंस जो भी दिख रहे हैं मेरे ऊपर, ये इस वक्त होम के ऑप्शंस हैं। ये सारे हमें होम के अंदर ये सब देखने को मिलता है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये सारे हमें होम के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन आज हम बात इंसर्ट की करने वाले हैं। इसमें हम पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन, एड-इन्स, लिंक्स, कमेंट, हेडर, फुटर और इसके फिर टेक्स्ट और सिंबल्स का हम लोग यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को एक कवर पेज देंगे। आज मैं इसके साइज को 100 ही कर लेता हूं। अब मैं इसके एक कवर पेज को बनाना चाहता हूं। चलिए हम इसके कवर पेज को बनाते हैं। मैं कवर पेज के ऊपर आऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे प्री मेड टेम्पलेट्स देखने को हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया था ये एक पेज और ये दो पेज, लेकिन इसके बाद ये तीसरा पेज हमारा बन चुका है जो हमारा कवर पेज होगा। तो हम यहाँ पे इयर्स को एंटर कर सकते हैं। तो हम इसमें डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट के टाइटल को देना होगा, तो मैं यहाँ पे चलिए डॉक्यूमेंट के कुछ टाइटल को भी दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने हाउ कैपिटल कर दिया है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मैं यहां से इसे सेंटेंस केस में बदल देता हूँ। इसने सारे को स्मॉल कर दिया, मैं इसे वापस सेलेक्ट करके इसे कैपिटल ईच वर्ड में कर देता हूँ और ये हमारा सेट हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे देखिए ज़िया वर्ल्ड दिखा रहा है और यहाँ पे इस कंपनी नेम हमसे पूछ रहा है। आप कंपनी नेम के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये बन गया हमारा कवर पेज। मैं चाहूं तो इस फोटोज को भी चेंज यहां से कर सकता हूं। इंसर्ट के ऊपर आऊंगा। इस पिक्चर यहाँ पे देखिए मुझे चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिल रहा है। मैं फ्रॉम फाइल कर लेता हूं। मैं फाइल से यहाँ पे एक पिक्चर ला करवा देता हूं। तो इसके लिए मैं आता हूं अपने ब्रांडिंग फाइल के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे मेरे ब्रांडिंग से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट सेव करके रखे हैं। मैं यहां से इस लोगो को यहाँ पे लगा देता हूं। ये देखिए ये भी सेट हो गया। अब मैं ब्लैंक पेज की बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके और इसके बीच एक ब्लैंक पेज हो। मैं यहां पे इसे क्लिक करूंगा। अब मैं ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ये देखिए हमारे बीच एक ब्लैंक पेज बन चुका है। लेकिन क्या हुआ, ये जो डब्ल्यू था वो एक दूसरे पेज में चला गया। इसलिए मैं कंट्रोल प्लस जेड करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने गलती से डब्ल्यू और ई के बीच में क्लिक कर दिया था। मैं यहां क्लिक करूंगा और फिर से मैं एक ब्लैंक पेज को क्रिएट करता हूं। इस पर देखिए एक सिंगल पेज यहां बना है और कोई भी चेंजेस नहीं हुए। मैं चाहता हूं कि इसके और इसके बीच एक ब्लैंक पेज बनाया जाए। मैं वही करूंगा। मैं आई से पहले यहां पर क्लिक करता हूं, तब मैं ब्लैंक पेज को क्रिएट कर देता हूं। ये देख सकते हैं एक ब्लैंक पेज यहाँ पे बन चुका है। शायद मैंने गलती से दो बार यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया।
इस तरह से आप एक ब्लैंक पेज को क्रिएट कर सकते हो। मैं इस पेज को डिलीट कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने पेज के ऊपर ब्रेक लगाऊं। यहां तो मेरे पास ये कॉपी तो है नहीं कि मैं इसके पेज को फाड़ दूं या फिर मैं इसे हटा दूं, तो इसके लिए मैं ब्रेक लगाने के लिए मैं यहां पे क्लिक करूंगा और यहां पे मैं पेज ब्रेक का इस्तेमाल करूंगा। पेज ब्रेक का इस्तेमाल करने से क्या होगा, हमारा जो पेज है यहीं पे लास्ट करेगा, इसी लाइन पे लास्ट कर जाएगा और उसके आगे के जो कंटेंट्स हैं वो हमारे अगले पेज में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने अभी इन तीनों की बात कर ली है। अब हम आगे टेबल्स की बात करने वाले हैं। चलिए हम इस पेज के ऊपर टेबल को इंसर्ट करेंगे। यहां पर हम टेबल के ऊपर आएंगे और हम कितना भी रो कितना भी कॉलम यहाँ पे बना सकते हैं। हम यहाँ पे 5x4 का बना सकते हैं, 5x5 का बना सकते हैं, 4x3 का बना सकते हैं, 2x3 का बना सकते हैं, 2x2 का भी बना सकते हैं और 2x1 और 1x1 का भी। हम यहाँ पे मैक्सिमम 10x8 का बना सकते हैं टेबल, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इससे भी हम ज्यादा बनाएं तो यहाँ पे हम ड्रॉ टेबल के ऊपर आएंगे और यहाँ पे ये देखिए हमें मिल चुका है। हम इसके ऊपर एक टेबल को यहाँ पे मैंने बना लिया। अब मैं इसके आगे दूसरे टेबल को बनाता हूं, दो तीन, तो इस तरह से मैं इसे यहाँ पे बना सकता हूं। और अगर मैं टेबल इंसर्ट करना चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। इस तरह से आप बनाएंगे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। मैंने पेज ब्रेक को भी डिलीट कर दिया है। हाँ, अब मैं यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं कॉलम को सेट करता हूँ 4 और इस यहाँ पे जो रो है उसे मैं चेंज करके कर देता हूँ 3 और इसे मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 कॉलम और 3 रोज यहाँ पे बन चुके हैं। तो इस तरह से आप टेबल्स को बना सकते हो। अगर आप इसकी हेडिंग इसके स्टाइल को कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको डिजाइन के अंदर लेआउट में आपको देखने को मिलेगा। आप इन सारे फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे टेबल्स के ऊपर चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ सिलेक्ट किया वो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं वापस इंसर्ट में आऊंगा, मैंने टेबल इंसर्ट करना भी सीख लिया है। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ पिक्चर्स को लगाना चाहूंगा, तो चलिए हम इसके लिए पिक्चर के ऊपर आएंगे और हम यहाँ पे दिस डिवाइस करेंगे। अगर हमारा पिक्चर में डिवाइस के अंदर हुआ तो हम दिस डिवाइस यूज करेंगे। अगर हम कोई पिक्चर ऑनलाइन लाना चाहते हैं जो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है वहां से, तो हम ऑनलाइन पिक्चर का यूज करेंगे। तो हम अभी दिस डिवाइस करने वाले हैं। यहाँ पे से मैं किसी भी पिक्चर को यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये देखिए इस वक्त हमारा जेआई का जो लोगो था वो यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट कर लिया है अपने कंप्यूटर से। अब मैं इसके ऊपर यहाँ देखिए फॉर्मेट का मुझे ऑप्शन खुल गया है। अब मैं इसे कलर दे सकता हूँ, इसके कलर करेक्शन कर सकता हूँ, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूँ। ऐसे मैं भी बहुत सारे फंक्शन को कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड रिमूवर है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं अभी बाहर क्लिक करूं तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ रिमूव हो गया और केवल W बच गया। क्यों ऐसा हुआ? मैं वापस फॉर्मेट के ऊपर आऊंगा और वापस इस रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए केवल W मेरा व्हाइट है, बाकी O R D L Z R ये सारे इस वक्त पिंक है, इस कारण से ये रिमूव कर दिया गया। मैं इसके स्पेस को बढ़ा देता हूं और मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे इस मार्क का यूज कर सकता हूँ। किस यहाँ पे मार्क एरिया टू कीप, मैं इसको यूज करके इन सारे एरियाज को रखना चाहूं तो मैं रख सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको बारी बारी से अगर ऐसा कभी हो जाए तो आपको इस तरह से सेट करना होगा ताकि ये सब कुछ बचे और बाकी जो वो हट जाए। ये देखिए केवल जया वर्ल्ड बचा, बाकी सारे जो पिक्चर्स के अंदर जो आपको और एलिमेंट दिख रहे थे वो सारे रिमूव हो गए हैं। मैं यहां से कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूं क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो।
अब हम इस पिक्चर को और भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको रिमूव बैकग्राउंड करके दिखलाया, अभी आप इसके पिक्चर के करेक्शंस भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी आपको इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। आपको जो अच्छा लगे आप इसे यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं। देखिए, पिक्चर भी थोड़ा ब्लर हो गया है। तो आप इसी तरह से अपने पिक्चर्स के स्टाइल को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे चाहूं तो इसे ब्लर भी कर सकता हूँ। मैं वापस फॉर्मेट के ऊपर आऊंगा। अब मैं कलर की बात करता हूँ, मैं इसे कलर को भी चाहूं तो चेंज कर दूं। ये देखिए, अभी आपको कलर में चेंजेस होते हुए दिख रहे होंगे। तो आप इस तरह से कलर को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे इसे कलर को भी चेंज कर दिया। और अगर आप इन सारे इफेक्ट का भी यूज करना चाहते हो तो आप अपने पिक्चर के ऊपर इन सारे इफेक्ट्स का भी यूज कर सकते हो। ये देखिए, काफी अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने इस पर इस इफेक्ट का यूज कर लिया है। आप अपने पिक्चर को कुछ बॉर्डर देना चाहते हो तो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हो। ये सर्कल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका राउंड ट्रायंगल है, ये यहाँ पे आपको वेवल्स है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप फॉर्मेशन कर सकते हो। मैं इसको ये कर देता हूँ, ऐसे मैं यहाँ देखी, ये काफी अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से पिक्चर्स के बॉर्डर को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिक्चर के बॉर्डर को सेट कर देता हूँ। फिर आप पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ से उसके इफेक्ट को भी बना सकते हो। ये सारे आप ऑप्शन आपको फॉर्मेट के अंदर मिलते हैं, जब आप इंसर्ट की मदद से कोई भी पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हो तब। ये देखिए, अभी ग्लो करने लगा है चारों तरफ से। अब मैं इसके साथ सॉफ्ट एज की अगर मैं बात करूं तो इसके मैं एज को भी थोड़ा सॉफ्ट कर सकता हूँ, इसके किनारे को सॉफ्ट कर सकता हूँ। पिक्चर्स के लेआउट को मैं बदलना चाहूँ तो इस पिक्चर के लेआउट को मैं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त ये नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे पिक्चर को बिल्कुल खराब कर रहा है। तो आप इस तरह से इन सबका यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रोटेट का है, पिक्चर को रोटेट करना चाहो तो आप रोटेट कर सकते हो। मैं इसे फ्लिप वर्टिकल कर दिया, तो ये पिक्चर मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं वापस आता हूँ इंसर्ट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे शेप्स की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं शेप्स को भी इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप जो भी शेप इंसर्ट करना चाहते हैं आप उस शेप को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। आप इस शेप को फिल करना चाहो तो किसी दूसरे कलर से फिल कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट होता है ये कलर, आप इसे चेंज कर सकते हो। मैं इसे रेड कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन को मैं चेंज करके व्हाइट कर देता हूँ। आप अगर इस शेप के अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो आप इसके ऊपर डबल टैप करो और आप लिखना शुरू करो। मैंने ज़िया वर्ल्ड लिख दिया है, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। होम पर आके मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा बन चुका है। तो आप इस तरह से बहुत सारे शेप्स हैं, प्री मेड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ऐसा ही नहीं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप कुछ शेप्स को खुद डिजाइन भी कर सकते हो। अगर कुछ आप ड्रॉ करना चाहो तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। आप ये शेप को आपने अभी खुद डिजाइन किया है, आप इसके ऊपर भी इसी तरह से इसको कलर को चेंज कर सकते हो और इसके आउटलाइन को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे इसे लगा देता हूँ। ये पता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी यहाँ पे इसे लगा दिया। अब मैं स्मार्ट आर्ट की बात करूँ तो स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए, मैं इसे सेलेक्ट करके ओके यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर्स लगा सकते हैं छोटे छोटे। मैं यहाँ पे पिक्चर्स के ऊपर आता हूँ, वर्क ऑफलाइन में क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जया ग्रुप का लोगो है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे फिर वर्क ऑफलाइन और मैं यहाँ पे से किसी दूसरे पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बहुत सारे चार पिक्चर्स को लगा सकता हूँ। और इसके बारे में मैं जया ग्रुप के बारे में आपको कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ जया ग्रुप कुल। अब मैं यहाँ पे जया लोगो में लिख देता हूँ। आप इसी तरह से इन सबको यूज कर सकते हो। आप इसे कहीं दूसरी जगह रिप्लेस करना चाहो तो आप किसके इस्तेमाल से इसे दूसरी जगह रिप्लेस
कर सकते हो। ये हमारा सेट हो गया। अब मैं वापस इन चार्ट के ऊपर आता हूं। मैंने भी आपको स्मार्ट आर्ट का यूज करके बताया, अब इन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इस चार्ट को आप यूज करके ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हो। ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज ज्यादा किया जाता है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मुझे बोल रहा है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ओके। अब ये देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे अपीयर हो गया है। मैं इसे चेंज करता हूँ और इसे मैं यहीं पे से रिप्लेस कर देता हूँ या इसे मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये मेरा ये ढक रहा है इसके कारण, मैं इसे दूसरी जगह रिप्लेस कर देता हूँ। ये मैं इसे यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया, उसे वहीं मैं रहने देता हूँ। तो ये देखिए मैं इसे यहाँ ले आया। अब मैं इसके ऊपर कुछ चाहूँ तो फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। तो मैंने अभी इलस्ट्रेशंस की बात मैंने कर ली, मैं एरेंज की बात कर लू तो आप अगर कोई प्रोग्राम एक्स्ट्रा प्रोग्राम जो यहाँ जितने ऑप्शंस हैं आप इससे भी कुछ ज्यादा यूज करना चाहते हो तब आप इन माई एरेंज या गेट एरेंज का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक विकिपीडिया मिलता है, आप किसी एक्टर के बारे में या किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में या कोई ऐसे पर्सन जिसके बारे में विकिपीडिया के ऊपर अपलोड है, आप उसके बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, कुछ रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे विकिपीडिया से। तो मैं इनके ऊपर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियो अगर आप इंसर्ट करना चाहो तो आप ऑनलाइन वीडियो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। तो आप इसके लिए क्या करोगे, मैं सबसे पहले इन सब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा अब तकलीफ देने लगा है। मैं इसे यहां से रिमूव कर देता हूँ, मैं इस स्क्रीनशॉट को यहां से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको भी यहां से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई एक वीडियो को इंसर्ट करते हैं। यहाँ देखिए ऑनलाइन वीडियो के ऊपर आएंगे और यहाँ बोल रहे हैं मुझे यूआरएल पेस्ट करने को, तो मैं अपने यूट्यूब के वीडियो के यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। इसके लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ओके। तो ये देखिए हमारा वीडियो इस वक्त यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। मैं चाहूं तो इसे प्ले भी कर सकता हूँ, इसे मैं रिसाइज कर सकता हूँ। मैं यहां से इसे प्ले भी करना चाहूँ तो मैं प्ले कर सकता हूँ। तो इस वक्त आपने देखा कि मैंने किस तरह से अपने एक वीडियो को यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया। आप इस तरह से चाहें तो आप इसके ऊपर भी इन फ्रेम्स का यूज कर सकते हो ताकि ये गुड लुक हो। ये देखिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी इन फ्रेम्स का यूज किया। आप कुछ और करना चाहो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इसके बॉर्डर्स को भी सेट करना चाहो तो आप इसके बॉर्डर्स को भी सेट कर सकते हो। मैं इसे रेड कर दूं तो बहुत ज्यादा ये हैवी हो जाएगा, इसे मैं रहने देता हूँ। इफेक्ट आप सेट कर सकते हो, रिफ्लेक्शन आप ऐड करना चाहो तो रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे जो भी आप पिक्चर्स के साथ फॉर्मेशन कर सकते थे आप यहाँ पे कर सकते हो। केवल यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड वीडियो के लिए स्टार्ट नहीं होता आपके लिए। तो आप वापस इंसर्ट पे आते हैं तो अब हम बात इस लिंक के ऑप्शंस को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कमेंट की करते हैं। अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम उससे भी यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि हम जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या किसी को डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो उसके पास यहाँ पे कमेंट हो, वो नोटिस कर सके कि यहाँ पे कुछ ऐसा था जिसे हम यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे उसके लिए कोई हम मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो हम इस कमेंट का यूज करते हैं। मैं इसे सब बंद कर देता हूँ। और अब यहाँ पे बात हेडर और फुटर की होती है। यहाँ पे देखिए आप हेडर लगाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर तो आप यहाँ पे हेडर लगा सकते हैं। मैं सबसे पहला हेडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप सारे पेज को देखिए, यहाँ पे ये हेडर आ गया, यहाँ पर ये हेडर आ गया, यहाँ पे ये हेडर आ गया, इसी से सारे पेज के ऊपर ये हेडर बन गया। और यहाँ पे टाइप हियर आ रहा है, हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप देयर
वर्ल्ड कर देता हूं, मैं बाहर क्लिक करता हूं, ये चेंजेस आपको हर जगह देखने को मिल रहे होंगे। अभी जहां पे आपको टाइप हेयर दिख रहा था वहां पे ये हेडर्स आ गए हैं। आप चाहे तो ऐसे हेडर्स को क्लोज भी कर सकते हो। फिर मैं वापस इंसर्ट के अंदर आऊंगा और मैं फुटर को सेट करना चाहता हूँ। तो फुटर को आप कैसे सेट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे इस फुटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 1, पेज 2, पेज 3 और यहाँ पे पेज 4। मैंने यहाँ पे 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया है। हमारा पेज नंबर कवर पेज काउंट नहीं होता, इसलिए हम लोग हमारे का जो नंबर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हम वापस इंसर्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे पेज नंबर आप देख रहे हैं। आप पेज नंबर को जो पेज नंबर आप इसे सेट कर सकते हैं, पेज नंबर आपको कहाँ शो कर रहे हैं। टॉप ऑन द पेज आप करना चाहें तो आप टॉप ऑन द पेज भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे शो होने लगा, यहाँ पे ये शो होने लगा हेडर के अंदर। इसके बाद आप यहाँ पे ये देखिए, मैं वापस पेज नंबर के अंदर आता हूँ, बॉटम द पेज अगर मैं क्लिक कर दू, पेज के बॉटम में यहाँ पे आपको पेज नंबर शो होने लगा। ये अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं वापस इंसर्ट के अंदर आता हूँ, तो मैंने बात हेडर और फुटर की भी कर लिया, किस तरह से हेडर और फुटर को लगाओगे। तो मैं इन सारे हेडर्स एंड फुटर्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। क्लोज हेडर एंड फुटर मैंने कर दिया। मैं वापस इंसर्ट के अंदर आऊंगा, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं। आप कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहें यहाँ से तो आप टेक्स्ट बॉक्स को ले सकते हैं, नहीं तो आप ब्रॉड टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्री मेड टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसके ऊपर यूज करूँ। देखिए यहाँ पे सारे टेक्स्ट लिखे हुए आ गए, आप इसके बीच में अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो ये प्री मेड है। फिर मैं इंसर्ट के ऊपर आऊ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ इन प्री मेड टेम्पलेट को यूज ना करूँ, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ बॉक्स का इस्तेमाल, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो चाहूँ वहां लिख सकता हूँ। ऐसे मैं इन सारे ऑप्शंस की मदद से फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। मैं वापस इंसर्ट के ऊपर आऊंगा, मेरे पास यहाँ पे क्विक पार्ट है, मैं इसको ऐड करके यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारे फील्ड्स को बना सकता था। आप यहाँ पे बिल्डिंग्स ब्लॉक्स बिल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्विक पार्ट है, आप बहुत जल्दी इनकी मदद से इस ऑप्शनल से ये सारे फंक्शन आसानी से कर सकते हो। अब हम बात वर्ड आर्ट की करते हैं। तो ये सारे वर्ड आर्ट है जिसका हम यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा आर्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं इसे सिलेक्ट करके मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दू, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए ये अब आपको दिखना, ये आपको दिखने लगा है। तो आप इसकी इस तरह से वर्ड आर्ट का यूज यहाँ पे कर सकते हो। ये इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। सिग्नेचर लाइन अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ये सिग्नेचर लाइन भी यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे डेट एंड टाइम अगर आप यूज करना चाहो तो आप डेट एंड टाइम को भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप कोई और ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे बीट मैप इमेज, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट को, या फिर आप पैकेज, या फिर वर्ड पैड डॉक्यूमेंट का भी यूज करना चाहो तो आप यहाँ से इसे कर सकते हो। ये बिल्कुल वर्ड पैड का ही एडवांस वर्जन है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन थोड़ा अलग देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत सारे फंक्शन वर्ड पैड की तरह ही करता है, या कहीं वर्ड पैड के बहुत सारे फीचर्स इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। मैं इसे कैंसिल करता हूँ और अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस को ऐड करके दिखाता हूँ। तो अब मैं आप इक्वेशंस के ऊपर आता हूँ। अगर आप कोई मैथ के फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको इन सारे इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। और इतना ही नहीं, आपके पास यहाँ पे इंसर्ट और न्यू इक्वेशंस का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे और भी दूसरे इक्वेशंस हैं जिसका आप यूज करके अपने इक्वेशंस को बहुत आसानी से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप इंसर्ट न्यू इक्वेशंस यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंक इक्वेशंस का आप यूज करके आप यहाँ पे लिख कर बना सकते हो इक्वेशंस को। मैं यहाँ पे ए स्क्वायर अगर मैं बनाऊ, ये ए स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ पे प्लस का साइन दू और मैं यहाँ पे बी लिख दू, तो ये भी बहुत आसानी से हो गया। और मैं इसे इंसर्ट कर दू, तो ये देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है। मैं इसे की साइज को बढ़ा और घटा भी सकता हूँ।
मैं इसके साइज को बढ़ा दिया, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं वापस इंसर्ट के ऊपर आता हूँ और मैं इन सारी कभी यूज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका प्लस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, तो आप इसके यूज भी कर सकते हो, आप इसे यहाँ पे खुद से लिख सकते हो। और इतना ही नहीं, आप अगर चाहो तो इन सारे इक्वेशंस को और भी अगर कुछ एडवांस तरीके से यूज करना चाहो या फिर आप इन सारे सिंबल्स का इनके बीच में यूज करना चाहो तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब हम बात फिर से इंसर्ट की करेंगे। यहाँ पे सिंबल्स है, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इन सारे सिंबल्स का भी इक्वेशंस के अंदर या फिर अपने नॉर्मल लाइंस के अंदर आप इन सारे सिंबल्स का भी बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओम का यूज करके दिखाता हूँ। ये आप बाई कीबोर्ड आप लिख नहीं पाओगे, लेकिन आप अगर यहाँ पे सिंबल्स का यूज करते हो तो आप सारे सिंबल्स यहाँ पे बहुत आसानी से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की यहाँ पे सारे ऑप्शंस को बारी बारी से आपको दिखाने की और समझाने की। तो आज की क्लास में इतना ही, मैंने आपसे बोला था पिछले क्लास में कि मैं डिजाइन को भी कम्प्लीट करूंगा, लेकिन डिजाइन को कम्प्लीट करना शायद इतना छोटा सा टॉपिक तो है नहीं कि मैं डिजाइन को बहुत आसानी से यहाँ पे कम्प्लीट कर लूँ। तो मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, नया क्लास लाऊंगा। तो अब हम चलते हैं वापस क्लास की तरफ। मैं ऐसा करता हूँ, आज मैंने आपको जो भी समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में भी बताया, मैंने कुछ को बहुत शॉर्ट में भी बताया, जो मुझे लगा ज्यादा जरूरी है ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैंने बहुत डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन किया, और जो मुझे नहीं लगा कि ज्यादा जरूरी है इसलिए मैं उसे बहुत शॉर्ट में आपको बताया। तो आज की क्लास में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में जिसमें हम डिजाइन मेन्यू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप ये कोर्स कंप्लीट कर सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।